नमस्ते दोस्तों, केम छो मजामा। मैं संजय न्यू टेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए, ये मेरा वाइट वाला चंपा का प्लांट है। ये देखिए, मैं काफ़ी सारे वीडियो में आपको दिखाया है प्लांट। ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, अभी इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, देखिए आप। तो ये प्लांट रूट बाउंड हो गया है। काफ़ी टाइम से, मैंने 1.5 साल जितना हो गया तब से मैंने इसी में लगा के रखा है। और इसमें देखिए, सारे रूट्स ऊपर आ रही है और इसी की वजह से क्या है कि ये पत्तियां भी सारी पीली पड़ रही, देख सकते हो आप। ये देखिए, बहुत सारी पत्तियां ऐसे पीली पड़ पड़ के गिर जा रही है, क्योंकि अब मैं इसमें पानी डालता हूँ तो पानी भी ज़्यादा रुकता नहीं, जैसे पानी डालता हूँ निकल जाता है, पूरी रूट्स हो गई है अंदर, इसीलिए। ये देखिए, सारे मरवा जो आता है उसके बीज डाले थे तो सारे निकल के आ गए। एक ये नीम का है, तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और एक मेडिसिनल प्लांट है। अगर आपको कान में दर्द हो तो इसकी पत्तियाँ तोड़ के इसका रस निकाल के कान में डालने से बहुत आराम मिलता है। तो आज मैं इस प्लांट को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, चंपा के प्लांट को। तो इसके लिए कैसे सॉइल मिक्स बनाता हूँ, किस तरह इसको रिपोर्ट करना चाहिए, वो सब आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो मैं सारी कटिंग हटा लूँगा जो मैंने लगाई है। मैं इसे सारे गमलों में मौसरत लगाता रहता हूँ ताकि क्या है कि कहीं कटिंग ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। जब इसमें तैयार हो जाती है तो मैं दूसरे गमले में शिफ्ट कर देता हूँ या कभी कभी इसी में रहने देता हूँ। ये देखिए, कितनी अच्छी रूटिंग हुई है। तो चलिए, अब मैं ये प्लांट निकाल लेता हूँ और निकाल के आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसी रूट्स हो गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे तो दिख ही रहा है। देखिए, ये सारी ऊपर आ रही है। एक हाथ से निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं दोनों हाथ से इस प्लांट को निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्लांट ऐसे निकल के आ गया है। देखिए, रूट्स की वजह से क्या है कि मैंने खींचा दो हाथ से तो निकल गया था, कितनी ज़्यादा हो गई देखिए। और ये गमले के नीचे भी देख सकते हो आप, तो अब मैं इसको दूसरा बड़ा पॉट दूंगा, क्योंकि ये छोटा है तो इसको लगाने से बार बार इसमें क्या होगा कि वापस हो जाएगा। इसकी रूट्स मैं अभी कट करूंगा तो बारिश का मौसम है, कहीं फंगस वंगस लग गई तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए इसके लिए कोई बड़ा गमला लेता हूं। मैं आपको दिखाता हूं कि मैं किस में रिपोर्ट करने जा रहा हूं। ये देखिए, ये बड़ी सी बाल्टी मेरी खाली पड़ी थी, इसमें मैंने क्या एडेनियम की कटिंग लगाई थी। तो इस पहले ये सॉइल में बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये खाली रिवर सैंड है और चावल की भूसी मिला के मैंने लगाया था। तो इसको पहले पूरा बाहर निकाल लेता हूँ और इसी में हम आज रिपोर्ट करेंगे हमारा प्लांट। तो इसके लिए कैसे सॉइल मिक्स ले लेंगे वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये देखिए, ये बाल्टी का मैंने ड्रेनेज अच्छे से कवर करके इसमें थोड़ी सी सैंड मिले रेत और मिट्टी मिक्स थी वो मिला दिया है नीचे। और ये जो सॉइल मिक्स लिया है वो देखिए, ये जो एडेनियम वाली रेत थी, रेत और चावल की भूसी मिली हुई, आधी बोली है, आधी नॉर्मल गार्डन सॉइल, ये गोबर की खाद है और दो मुट्ठी के आसपास ये किचन वेस्ट कंपोस्ट है। तो इसमें अब एक चम्मच में फंजीसाइड पाउडर मिला दूंगा, क्योंकि फंगस का पाउडर मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। इस टाइम बारिश का मौसम है तो फंगस ना लगे, इसलिए एक चम्मच के आसपास में फंजीसाइड पाउडर इसमें मिला देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने साफ फंजीसाइड यूज़ किया है। अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो आप
हल्दी का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर देता हूँ। ये देखिए, इसी में अब रिपोर्ट करना है। तो ये देखिए, मैं मिला दिया है यहाँ पे। और अब नीचे थोड़ा सा कचरा पड़ा है, मैं गार्डन का वो डाल दूंगा ताकि वजन इसमें थोड़ा कम हो। वैसे ही कचरा पड़ा हुआ है, जो पत्ते वत्ते गिरे, प्लांट थोड़े बहुत मैंने निकाले हैं, घास फूस, वो सब इसके अंदर नीचे थोड़ा थोड़ा डाल दूँ। ज़्यादा नहीं डालूँगा, थोड़ा सा ही, एक लेयर छोटी सी बिछा दूँगा, 1-2 इंच की। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कचरा डाल के इतनी मिट्टी भर दी है। कम से कम 6-7 इंच होगी। ये बाल्टी बड़ी है, इसीलिए मैं पूरा नहीं भरूँगा, आधी बाल्टी खाली रखूँगा। प्लांट आने के बाद भी बाल्टी तो खाली ही रहती है। इतनी देखिए, इतनी खाली रखता हूँ। और इसमें ड्रेनेज मैंने बहुत बड़े बड़े बनाए हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक की बाल्टी है, इसमें पानी ज़्यादा रुकेगा, प्लांट ख़राब होते हैं, इसलिए ड्रेनेज अच्छे बनाता हूँ। और मिट्टी भी वेल ड्रेन रखता हूँ। मिट्टी वेल ड्रेन रहने से क्या होता है कि चाहे कितना पानी गिरे, पानी बाहर निकल जाता है, और हमारे ज़्यादातर प्लांट पानी रुकने से ही मर जाते हैं। गमले में पानी रुकता है, अभी बारिश का मौसम है तो क्या है, पानी रुकेगा और प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो अब इसमें अच्छे से बीच में सेंटर में प्लांट हम सेट कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए प्लांट को ऐसे सेंटर में। ये प्लांट वैसे मैंने पुराने गमले में जो लगा था, टेढ़ा लगा था, इसीलिए इसको मैंने इसको सीधा करना है। इस तरह से पूरा मिट्टी समेत ही लगाया है, देखिए पूरी जड़ ऐसे एकदम सीधा ही लगाए, ताकि प्लांट एकदम अच्छा दिखे और खूबसूरत दिखे। टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो जाता है, और बाहर हवा की वजह से झुक भी जाता है, तो इसको ऐसे सेंटर में रखना है। ये देखिए, और ये सारे मैंने सीड जो लगाए थे वो निकाले नहीं है कुछ भी, बस इसमें धीरे धीरे करके अच्छे से मिट्टी सेट कर दूंगा मैं, और फिर आपको दिखाता हूँ। एक बार मिट्टी भर लेता हूँ मैं इसमें। ये देखिए, प्लांट को एकदम सेंटर में लगा दिया है और ठीक से सेट कर दिया है। अब देखिए, ये वाली ब्रांच भी पहले जो नीचे झुकी हुई थी वो ऊपर हो गई। अब रिपोर्ट करने के बाद देखिए, सॉरी, ये आसपास मिट्टी गिरी, अभी मैंने रिपोर्ट किया, वहीं भी वहीं वीडियो शूट कर रहा हूँ, प्लांट को हटाया नहीं इसलिए। अब क्या, थोड़ी पीली पत्तियाँ हटा देनी है हमें, जो पीली पीली है वो। अब इसको पानी देके रख देना है साइड में, और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ इसको धूप मिले अच्छे से, कम से कम 3-4 घंटे की। ये फुल सन लिविंग प्लांट है, इसको धूप अच्छी चाहिए, पर गर्मियों में क्या है, बस इसको थोड़ा सा दोपहर के धूप में बचाना पड़ता है। बाकी तो आप चाहे पूरा धूप में पड़ा रहने दो, 4-5 घंटे। ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो दोस्तों, इसको आप पानी देके साइड में रख दीजिए, रख देना है प्लांट को। तो आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।